टेलीविजन प्रणाली के माध्यम से सातवें वेतन आयोग को लागू करने के संबंध में पुणे नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में शहर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, शहर विकास राज्य मंत्री प्रजाकत तानपुरे, पुणे नगर निगम के मेयर मुरलीधर मोहोल, शहरी विकास मंत्री महेश पाठक, पुणे नगर आयुक्त विक्रम कुमार और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और निगम के अधिकारी मौजूद थे। उपसभापति नीलम गोन्हे ने कहा कि शहरी विकास मंत्री श्री शिंदे विभिन्न मुद्दों पर हैं, ध्यान से नोट कर रहे हैं। पुणे नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग आवेदन करना। पुणे नगर निगम के कर्मचारी कोविड काल में बिना भत्ता लिए अपनी सेवाएं देते हैं, इसे सटीक रूप से खेला गया है, डॉक्टर गोन्हे ने इस बार कहा। पुणे नगर निगम कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के अनुसार नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे पुणे नगर निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतनमान लागू करने की स्वीकृति शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने लागू करने की मंजूरी की घोषणा की। शहरी विकास मंत्री श्री शिंदे ने कहा कि पुणे नगर निगम के कर्मचारी केंद्र और राज्य सरकारों की तरह सातवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए दो दिन की मांग कर रहे थे। इसके लिए डिप्टी स्पीकर डॉक्टर नीलम गोन्हे ने भी अनुकरण किया था। इस संबंध में जल्द ही अध्यादेश जारी किया जाएगा। प्रशासन में कार्य करते हुए आपकी सेवा अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ में रेड कलर के बेल आइकन को दबाए, जिससे कि रोजाना देश विदेश की खबरें आप तक पहले पहुंच सके। साथ में आप अपने सुझाव को हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।